शुभ दोपहर विद्यार्थियों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका रेणु शर्मा आज फिर से संस्कृत का एक नया अध्याय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। प्यारे बच्चों, इस पाठ में संस्कृत साहित्य की कुछ सूक्तियों का संकलन है। सूक्ति शब्द सु उपसर्ग तथा उक्ति शब्द से बना है। सु प्लस उक्ति, सूक्ति का अर्थ है अच्छे वचन। अति अल्प शब्दों में जीवन के बहुमूल्य तथ्यों को बहुत ही सुंदर ढंग से कहने के लिए संस्कृत साहित्य की सूक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। जैसे पुस्तक में पढ़ी हुई बात को जीवन में अपनाना चाहिए, मधुर वचन सबको खुश कर देते हैं इत्यादि अच्छी बातें इन सूक्तियों में निहित हैं। अब हम इस अध्याय को पढ़ लेते हैं। उद्मेन ही शिद्यन्ति कार्याणि न मनोर्थै, न ही सूक्तस्य सिंहस्य परिविशन्ति मुखे मृगा। मेहनत करने से ही कार्य और इच्छाएं पूरी होती हैं। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार बिना मेहनत के कार्य पूर्ण नहीं होते। पुस्तक के पठित पाठ है जीवने नई विषादित है, किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक है। पुस्तक के पठित पाठ है, पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ जीवन में उपयोग में नहीं लाया गया, नई विषादित है नहीं लाया गया। किम भवे तेन पाठेन, तो जो जीवन में सार्थक नहीं उस पाठ को पढ़ने का क्या लाभ। अर्थात पुस्तक में पढ़ी हुई बातों को जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुषन्ति मानवा। प्रिय वचन बोलने से सर्वे सभी तुषन्ति खुश होते हैं। मानवा मनुष्य, प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य खुश होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इस कारण से प्रिय वचन का दरिद्रता। कैसी गरीबी, अर्थात उदार होकर अधिकाधिक मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। भावार्थ यह है कि मीठे बोल सबको प्रसन्न रखने का एकमात्र सरल साधन है, अर्थात मीठे वचन बोलने चाहिए। गच्छन पिपीलको, गच्छन होता है जाती है, पिपीलको होती है चीटी, याति जो, योजननाम शतान यपि, सैकड़ों योजनाओं की दूरी को अगछन नहीं जाते हुए वंते गरुड़ पदम एकम, एक पद भी न गच्छन्ति नहीं जाता। अर्थात चलती हुई चीटी तो सैकड़ों योजन कोस होता है योजन, सैकड़ों कोसों की दूरी लांग लेती है, किंतु न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं जाता। अर्थात प्रयास करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, अन्यथा नहीं। आगे नहीं बढ़ता या प्रयास नहीं करता उसके कार्य सिद्ध नहीं होते। काके कृष्णे पिके कृष्णे को भेद पिके काकयो वसंत समय प्राप्ते, काके काके पिके पिके। काका होता है कोआ, कृष्ण काला, पिके कोयल, कृष्ण काला। को भेद है कि क्या भेद है पिक काकयो, कोयल और कोए में।
वसंत समय प्राप्ते, वसंत ऋतु के आने पर काकै काकै पिकै पिकै, वसंत ऋतु के आने पर कोवा कोवा हो जाता है और कोयल कोयल, कैसे? जब वो मीठी वाणी बोलती है, कौन? कोयल, तब उसका पता चल जाता है कि कोवा कौन है और कोयल कौन है, अर्थात आंतरिक गुणों का अनुमान बाह्य आकार के आधार पर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि समय आने पर आंतरिक गुण प्रकट हो जाते हैं। इसी के साथ हमारा यह अध्याय कंप्लीट होता है। इससे आगे शब्दार्थ दे रखे हैं, वो आप कॉपी में करेंगे, उनको याद भी करना है, तभी आपको अध्याय अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद है अभ्यास कार्य, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को स्वर के साथ गाएं, श्लोक का अंशान योजयत, श्लोकों के अंश दिए गए हैं उनको जोड़िए, क और ख दो पार्ट दिए गए हैं और उनका मिलान करना है। तस्मात् प्रियम हि वक्तव्यम् वचने का दरिद्रता, इसमें क्या आएगा? वचने का दरिद्रता। गचन पिपील को याति योजनान नाम शतान्यपि, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुषन्ति जन्तवे, किं भवे तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक, काकय कृष्ण पिकय कृष्ण को वेद पिकय काकयो, ये यहाँ से मिलान हो जाएगा इनका। इसके बाद है प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, प्रश्न आपके पीडीएफ में डाल दिए गए हैं, वहाँ से आप कर लेना। आगे है उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत, उचित कथन है उनके आगे आम लिखिए, आम का अर्थ हाँ होता है और अनुचित कथनों के सामने न लिखना है, न का अर्थ नहीं। काके कृष्ण न बहुती, कोवा काला नहीं होता, यह गलत है, इसलिए यहाँ क्या आएगा? न। इसके बाद है अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए, ये सही है, इसलिए यहाँ आम आएगा। वसंत समय पिक का कहो भेद है बहुती, वसंत के समय कोयल और कोए में अंतर का पता चल जाता है, इसलिए यहाँ भी क्या आएगा? आम। वंतय पशु अस्ति, वंतय एक पशु है, गरुड़ क्या होता है? पशु नहीं होता, पक्षी होता है, तो यहाँ न आएगा। इसके बाद है वचने दरिद्रता न कर्तव्य, बोलने में गरीबी नहीं करनी चाहिए, ये भी बात सही है, इसलिए यहाँ आम आएगा। इससे आगे है मंजूषार्थ समानार्थक पद कानी पदानी चित्वा लिखित, मंजूषा में जो समानार्थक पद हैं उनको चुनकर लिखिए। वचने, वचने क्या उनके साथ क्या आएगा? कथने, इसके वचने के समान कौन है? कथने। इसके बाद है वंते, वंते क्या होता है? गरुड़। इसके बाद है पुस्तके, पुस्तके क्या आएगा? ग्रंथे। इसके बाद है उद्मेन, उद्मेन फिशरमैन, ये वन ये टू ये थ्री ये फोर और ये फाइव, फोर में क्या आएगा? फिशरमैन। पिके कोकिले, पांच में कोकिले। विलोम पदानी योजयत, विलोम पद हैं, विलोम का अर्थ होता है विपरीत, सार्थक निरर्थक, मिलान करना है इनका। कृष्ण काला होता है तो ये श्वेत है, सफ़ेद आ जाएगा। अनुरूपतम उपतम और गस्ती आगस्ती, आना जाना। जागृतस्य सुप्तस्य, जागृतस्य होता है जगा हुआ और सुप्तस्य
सोया हुआ। इसी के साथ हमारा यह अध्याय कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर से संपर्क करके पूछ सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।